हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के स्वार्म ड्रोन्स प्रोग्राम की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आर्मी के और एयरफोर्स के प्रोग्राम्स की सेपरेटली। तो इंडियन आर्मी ने आर्मी डे की प्रेजेंटेशन के दौरान अपने स्वार्म ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटी है उसको शोकेस किया था, जहाँ पर सिमुलेटेड कामिकाजे अटैक किए गए थे टैंक्स पे, फ्यूल डिपो पे, टेरर हाइड आउट पे और रडार पोजिशंस पे। तो ये जो स्वार्म है वो करीबन 75 ड्रोन्स का था, जिसमें मदर यूएवी को भी इंक्लूड किया गया था, जो कि स्मॉलर ड्रोन्स को डिप्लॉय कर रही थी। तो इस कैपेबिलिटी को इंक्रीज करके 1000 ड्रोन्स तक का करने का प्लान चल रहा है आने वाले कुछ महीनों में। तो अगर इंडियन आर्मी की माने तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एनिमी के टेरिटरी के अंदर करीबन 50 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। साथ ही साथ क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स को भी यूज़ किया गया, जहां पर उनकी मल्टीपल पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को शोकेस किया गया, जिसमें एसेंशियल्स और मेडिकल एड्स को वो ड्रॉप कर रहे थे, और ऐसा शोकेस किया गया कि ट्रूप्स के सपोर्ट में भी इनको यूज़ किया जा सकता है, और करीबन 600 किलो तक की सप्लाईज को सप्लाई किया जा सकता है इन ड्रोनों को यूज़ करते हुए। साथ ही साथ ये चीज़ भी रिवील करी गई कि ये जो सिस्टम है उसको कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है बेंगलुरु के एक स्टार्टअप के साथ, जिसका नाम न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज है। तो ये तो बात हो गई आर्मी के प्लान की। बाकी अगर एयरफोर्स के प्लान की बात करें तो एक इंटरव्यू के दौरान जो HAL चीफ टेस्ट पायलट हैं हर्षवर्धन ठाकुर सर, उन्होंने HAL लिफ्ट को डिस्कस करते समय उससे एसोसिएटेड स्वार्म ड्रोन्स को डिस्कस किया था, जहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो करीबन 3 कैनिस्टर कैरी करेगा, जिसमें 8-8 स्वार्म ड्रोन्स होंगे। तो करीबन 24 स्वार्म ड्रोन्स जो हैं वो HAL लिफ्ट के द्वारा कैरी किए जाएंगे, और वो करीबन 70-80 किलोमीटर तक ट्रैवल करेंगे। उसके बाद ड्रोन्स को रिलीज़ करेंगे और ड्रोन्स अपने बल पर करीबन 150 किलोमीटर तक जाने में कैपेबल होंगे। उसके बाद वो ड्रोन्स अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे और ऊपर से गिर के उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। ये चीज़ एयर टू एयर के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो 200 से 220 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिल जाएगी, जहां पर ये ड्रोन्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे। बड़े एयरक्राफ्ट में जो कैनिस्टर्स हैं वो बढ़ाए जा सकते होंगे, तो नंबर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो फ्यूचर वॉरफेयर ऐसा माना जाता है कि स्वार्म ड्रोन्स को लेकर होगा, जहां पर एनिमी के पास कम चांसेस होगा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इनके नंबर्स इतने ज़्यादा होंगे कि कोई ना कोई तो हिट करेगा ही टारगेट को। तो ये तो बता दी हमने बीमारी, यानी कि कोई भी अगर आपके वेपन बनता है तो उसका काउंटर ज़रूर बनता है, और अगर हम स्वार्म ड्रोन्स बना रहे हैं तो चाइना भी बना रहा है, इसका काउंटर भी जानना ज़रूरी है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एज एन एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम US का एक प्रोग्राम है, जिसे टैक्टिकल हाई पावर ऑपरेशनल रिस्पॉन्डर के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में इसे थॉर कहते हैं। तो ये एक काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम है और डायरेक्ट एनर्जी वेपन के अंडर में आता है। तो थॉर एक काउंटर स्वार्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम है, जो कि सिंपल इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, जो जनरेटर से भी पैदा करी जा सकती है, और ये हाई पावर माइक्रोवेव्स को यूज़ करता है काउंटर इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट पैदा करने के लिए, जिससे कि जो रिएक्टिविटी होती है ड्रोन्स की वो चेंज हो जाती है। तो ये स्वार्म ड्रोन्स के अगेंस्ट में इफ़ेक्टिव है, और करीबन 20 फुट का ट्रांसपोर्ट कंटेनर के साथ आता है, जिसे C-130 हरकुलिस से ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसको सेटअप करने में करीबन 3 घंटा लगता है और ये ईजी टू यूज़ है। तो इंडिया में DRDO ने भी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, पर वो स्वार्म ड्रोन्स के लिए नहीं है। ऐसे सिमिलर सिस्टम पे हमें भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्वार्म ड्रोन का थ्रेट है वो हम क्रिएट तो कर रहे हैं, पर हमारे लिए भी वो क्रिएट किया जा चुका है हमारे एनिमी के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे स्वार्म ड्रोन्स की बात करें चाहे एंटी स्वार्म ड्रोन की बात करें। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।